बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये 2018 के क्वेश्चन टू का शॉर्ट पार्ट टू है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। फाइंड मास ऑफ CH3OH। CH3OH का हमें मास निकालना है, तो डेटा बनाएंगे हम CH3, मास ऑफ CH3OH मिथाइल अल्कोहल इसका नाम है, ये हमें मालूम करने को कहा है। व्हेन 356 ग्राम ऑफ CO, तो मास ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमें 356 दिया हुआ है। इज़ मिक्स्ड विद 65 ग्राम ऑफ H2, तो 65 ग्राम हमें H2 का भी मास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा बन गया। इसी तरह इसका रिएक्शन भी आपको पेपर में दिया होगा, नहीं तो फिर आप ख़ुद बनाएंगे। वैसे ज़्यादातर पेपर में ये दिया जाता है, CO+2H2, ये मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन आपको पेपर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले CO के थ्रू इसका मास निकालेंगे, फिर H2 के थ्रू इसका मास निकालेंगे। तो इस मकसद के लिए हम हेडिंग डाल देते हैं, फॉर मास ऑफ CH3OH। ठीक है, तो हमें इसका मास निकालना है, लेकिन पहले इसको यूज़ करेंगे फिर इसको यूज़ करेंगे। तो पहले मैंने CO और यहाँ पर लिया मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि इससे ये बन रहा है, इससे ये दोनों मिक्स अप हो रहे हैं तो ये बन रहा है। हमें दोनों के अलग अलग निकालने हैं, इसके थ्रू अलग और हाइड्रोजन के थ्रू अलग। तो ये क्योंकि हमें मास इसका दिया हुआ है और इसका मास मालूम करने को कहा, इसका मायने ये हुआ कि ये मास मास रिलेशनशिप है, तो हम इसका एटॉमिक मास फॉर्मूला मास निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12, यहाँ पे वन एटम है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस लगाएंगे, ये फॉर्मूला मास निकालने का तरीका है। ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 ये 16 हो जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 28 बनेगा। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो वह 12 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि कार्बन वन एटम है। ठीक है, आई प्लस लगाएंगे अगला एटम शुरू करने से पहले, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 है, वन है, और यहाँ पे 3 एटम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, एटम वन है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 1 12, 3 1 3, 16 1 16, 1 1 1, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है फिर जमा करते हैं, इनको जमा करेंगे तो ये बनेगा 32 ग्राम। तो 28 ग्राम ऑफ CO प्रोड्यूस्ड 32 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो ये तो इसके फॉर्मूले मास से इतना बन रहा है, अब एक से कितना बनेगा, तो हमने लिखा 1, बाकी सारी बातें ये लिख देंगे, तो ये 28 अपॉन में लिख देंगे। अब हमें जो इसका मास दिया हुआ है वो है 356, तो 1 में कम हो जाता है, 356 में मालूम करने के लिए बाकी बातें वैसे ही लिखेंगे। 32 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 356, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से और इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 406.857 ग्राम। ठीक है, तो ये एक के थ्रू हमने मालूम किया। अब दूसरे का एक काम भी ऐसे ही है, 4 मास ऑफ CH3OH फ्रॉम H2, या पे चाहे तो फ्रॉम CO कर लीजिए। उसी तरीके से
अब रिएक्शन में ये हिस्सा लेंगे हम, ठीक है, और इसका मालूम करना तो ये लिया जाएगा। तो 2H2 एरो CH3OH, इसका फॉर्मूला मास निकाल चुके हैं 32 है, इसका निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, 2 अंदर 2, 2 से बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वैसे ही 4 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड 32 ग्राम ऑफ CH3OH। 1 कितना बनाएगा, तो 1 के लिए 4 को डिवाइड में लिख देंगे, और हमें मालूम हमें मास कितना दिया हुआ है 65, तो 65 में मालूम करने के लिए बाकी बातें ऐसे लिखेंगे, सही है नीचे, तो 32 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 65, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 520 ग्राम। अब इन दोनों में ये कम है और ये ज़्यादा है, तो अगर आपसे लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो जो कम वाला होता है, ठीक है, तो हमसे यहाँ पे मास किए तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इजाफी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपसे लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा जाए तो जो कम मिकदार जिससे हासिल हो, ठीक है, जैसे इससे 406 है और इससे 520 है, तो ये कम है ये ज़्यादा है, तो हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट इज CO, ठीक है। तो अगर ये आपसे बहुत सारे ईयर्स में पूछे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करे, तो साथ में ये स्टेप इसके नीचे लिख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।